बच्चों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए और ये प्रयास पुस्तिका का अंतिम प्रोजेक्ट कार्य 24 है और ये किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। सभी बच्चे प्रयास पुस्तिका को पोल कर लीजिए क्योंकि इसमें आपकी ज्ञान से संबंधित बहुत सी चीज़ें दी हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें दी हैं, आपके दिनचर्या से संबंधित चीज़ें दी हैं, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहिए। और यह जो प्रयास पुस्तिका सत्र 2023-24 के लिए है और इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको प्रोजेक्ट कार्य 24 बताएंगे। प्रोजेक्ट कार्य 24 किससे संबंधित, किस विषय से संबंधित है? यह संस्कृत विषय से संबंधित है और ये सभी कक्षाओं के बच्चों को करना है, कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं। तो चलिए इसमें क्या दिया, सौ ग्रह दैनिक उपयोगी वस्तु नाम गणना कृत्वा संस्कृत शब्द लिखत। क्या कहा इसमें, आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना है। जैसे आपके घर में जो वस्तुएं उपयोग होती हैं उनको काय में लिखना है, संस्कृत के शब्दों में लिखना है और संख्या में भी लिखना है। जैसे यहाँ पे आपका दिया है, यथा उदाहरण में दिया है व्यंजनम, व्यंजनम मीन्स होता है पंखा। अब आपके घर में पंखे कितने हैं वह लिखना है। जैसे यहाँ पे संख्या में 3 दिया है तो संख्या में 3 लिख दिए और संस्कृत शब्द में त्रीणी ये लिख दिए। अब आप यहाँ से एक नंबर चालू होता है चस्का, चस्का मीन्स क्या होता है हिंदी में, चस्को क्या कहेंगे, गिलास। अब आपके घर में जैसे किसी घर में 3 गिलास होंगे, किसी घर में 4 गिलास, किसी घर 5 गिलास, किसी घर 6 गिलास, तो आपके घर में जितने गिलास यूज़ करते हो आप लोग वह संख्या लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे 5 गिलास, मेरे घर में 5 गिलास यूज़ हो रहे हैं तो मैंने 5 लिख दिया और उसको संस्कृत शब्द में पंचमा। जैसे सचल, सचल मीन्स होता है मोबाइल। अब आपके घर में जितने मोबाइल होंगे वह संख्या लिख देंगे, जैसे 3 होंगे तो 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 बता दिए तो उसको क्या बोले, द्वय। दूरदर्शनम मीन्स क्या होता है, टीवी। तो अधिकतर बच्चों के यहाँ एक ही टीवी होती है, एक कम लिख दो, दो होगी तो 2 लिख दो गए। आसंदह, आसंदह मीन्स होता है कुर्सी और कुर्सियाँ सभी क्या होती हैं, किसी के यहाँ 4 हैं, किसी के यहाँ 2 हैं, किसी के यहाँ 6 हैं, किसी के यहाँ 10 भी हो सकती हैं। तो जितनी भी कुर्सियाँ आपके घरों में वह कुर्सियों की संख्या लिख दी, जैसे हमने 6 बताया और संस्कृत में षष्ठा। उसका छत्र मीन्स छाता, अब पानी का सीजन आ रहा है तो छाता का उपयोग होगा, तो किसी का जितने छाते जिस बच्चे के घर में वो अपने आधार पर लिख देंगे। हमने यहाँ पे 2 छाते बताए तो 2। घटा यानी मीन्स घड़ा, कितने घड़े, 3 घड़े, त्रिणिया। नंबर 7 पुस्तकम किताब, कितनी पुस्तक यूज़ करते हैं उसकी संख्या लिख दी, जैसे हमने 10 बताया तो 10 लिख दिए यहाँ पर संस्कृत शब्दों में और संख्या में 10 लिख दिए। द्विचक्रिका मीन्स क्या होता है, 2 चक्के वाली क्या होती है, साइकिल। तो 2 जितनी साइकिल उसकी संख्या लिख देते हुए। कंदुका, कंदुका मीन्स होता है गेंद और जितनी भी गेंद होंगी आपके यहाँ वो गेंदों की संख्या लिख दी, जैसे हमने 3 और त्रिणी। कक्षा यानी कमरे, कितने कमरे हैं आपके घर में गिन लेंगे वह संख्या लिखेंगे और उसे संस्कृत शब्द में लिख देंगे, जैसे हमने 8 और 8 बता दिए। तो इस प्रकार से आपका जो 6 नंबर था, सौ ग्रह दैनिक जीवनी वस्तुनाम गणान नाम कृत्वा संस्कृत शब्द लिखा था, आपके घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं की संख्या को संस्कृत शब्दों में लिखना था, ये लिख के बताएं। आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं बन रहा है तो आप इससे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, निर्देशानुसार संख्याओं अंकेशु शब्द कृत शब्देशु लिखत, यानी निर्देशानुसार संख्याओं को अंकों या संस्कृत शब्दों में लिखना है। तो ये अंक दिए हैं अंकों में और यहाँ शब्दों में दिया है, जैसे यहाँ 5 तो पंच, 2 को द्वय, 3 को त्रिणी और यहाँ पे खाली स्थान था 3 के बाद क्या आएगा, 4, पंकों में 4 लिख दिए, जैसे क्या कहते हैं संस्कृत में, चतवारी। 7 को सप्ताह, 8 को अष्ट, 1 को एकम, 6 को षष्ठा, 9 को नौ, 10 को दशा। तो इस प्रकार से आपके निर्देशानुसार जो दिए निर्देश इसके अनुसार संख्या को अंकों में भी लिखना था, जो अंकों में लिख के बता दिया हमने, और संस्कृत शब्दों में तो संस्कृत शब्दों में भी लिख के बता दिए। तो ये आपको लिखते आना चाहिए कि 4 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 8 को क्या कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, 10 को, तो ये आपको बनना चाहिए क्योंकि ये आपके मेन एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 पाठ्य पुस्तकात त्रयः संस्कृत श्लोका लिखत। 100 पाठ्य पुस्तकात मीन्स यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से त्रयः यानी 3 संस्कृत श्लोका है, संस्कृत श्लोक लिखना है। क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे संस्कृत के कितने श्लोक लिखना है, 3 श्लोक लिखना है। हमने यहाँ पे लिख के बताया, ये जरूरी नहीं कि हमने जो 3 श्लोक लिखे हैं वही श्लोक आपको लिखना है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से 3 श्लोक लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कृत्स्नेह दुःख भाग सर्वेद, तो ये के श्लोक बता दिए। फिर दूसरा श्लोक क्या बताया हमने, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। और तीसरा आपको क्या बताया, तीसरा श्लोक, विधा ददाति विनयम विनयात याति पात्राम,
पात तत्वाद धनमान तो प्राप्ति धनाद धर्म तथा सुखम। तो बच्चों ये जो हमने तीन श्लोक तो हमने अपने आधार पर लिखे हैं, आप अपने आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तक के तीन श्लोक लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने जो लिखे हैं। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप हमारी इस चैनल के जो वीडियो बना इससे भी देख के लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 11 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन के साथ आपका जो प्रोजेक्ट कार्य 24 यहाँ कंप्लीट होता है और आपकी प्रयास पुस्तिका का अंतिम प्रोजेक्ट कार्य था। बच्चों यदि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। आपके लिए अब इसके बाद जो दक्षता उन्नयन है उसके भी वीडियो हमारे चैनल में डले हुए हैं और परीक्षा संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल में हैं और सभी विषय से एडग्रेट्स है, ब्रिज कोर्स है, आओ करें सीखे, सभी के वीडियो डले हुए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों।